What's up guys, welcome to the Gamer Solution. Today we are going to steal the car of a gold from Mafia. तो चलो चलते हैं, मैं आपको लोकेशन शो कर देता हूँ. तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं. हम इस लड़की को यहाँ पर भेजा है जिस पर कोई शक नहीं करेगा. तो ये हमारी बिल्कुल लोकेशन है. तो जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स आपके बिल्कुल सामने, हर जगह यहाँ पर सिक्योरिटी है. और उसके साथ में देखा जाए तो एक से बढ़ के एक कार है यहाँ पर. ये आप देख सकते हो कि ये रेड कलर की, और ये ओल्ड पुराने ज़माने की जो भी कार थी, गजब से गजब, जो भी टॉप से टॉप कार है यहाँ पर. और देखा जाए तो हर जगह सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है. और सामने देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ ये वाइट रेड और ये कुछ वर्ल्ड की बहुत महंगी महंगी कारें हैं. मगर साथ के साथ हमें यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी है. और हमारे बिल्कुल सामने जो हमें कार चुरानी है वो है ये गोल्ड की कार बिल्कुल सामने हम. और ये माफिया का लीडर है जो कि बिल्कुल हमारे सामने, ये इनका लीडर है. हमें इसको भी मारना पड़ेगा हम. चलो तो गाइस बिल्कुल हम हमारे थोड़ी इस गाड़ी की तरफ लुक डाल देते हैं. देखिए कैसे गजब की गाड़ी लग रही है. स्पोर्ट्स कार है जो कि गोल्ड से बनाई हुई है जो. और यहाँ पे इनकी डीलिंग होने वाली है. देखते दूसरा माफिया यहाँ पर आएगा, वो वहाँ पर डील होगी. तो चलो देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ है. और बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपने ऊपर देखा होगा यहाँ पर स्नाइपर है. तो यहाँ पर भी राइट साइड में एक और सिक्योरिटी गार्ड है, नीचे भी यहाँ पर भी. तो देखते और कहाँ कहाँ हमें मिलने वाला है. तो एक भाई साहब तो बिल्कुल यहीं पर है. तो हम यहाँ से एक रास्ता जा रहे, तो इस रास्ते से हम ऊपर चलते हैं. तो और देखते हैं, हमें हर जगह सिक्योरिटी गार्ड ही गार्ड है. तो इस लड़की पे कोई भी शक नहीं करने वाला. तो एक और रास्ता यहाँ से है. तो यहाँ पर भी दो सिक्योरिटी गार्ड है. तो ये देखिए जितनी सारी ऑडियंस, ये लोग बैठे हैं यहाँ पर, लगता है यहीं पर डील होने वाली है. तो हर जगह पूरी तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स का होना आप देख सकते हो. तो चलिए, तो हम यहाँ पर भी हर सिक्योरिटी गार्ड है. तो हमें पूरी अच्छे से प्लानिंग करके आना होगा यहाँ पर. तो हम चलते हैं. तो गाइस हमने भी अच्छे से प्लान कर लिया है. तो फाइनली हम आ चुके हैं. तो अब हम चलते हैं. फ्रैंकलिन सॉरी माइकल और ट्रेवर ने यहाँ पर हमने मिलकर अच्छे से प्लान कर लिया है. तो हम दोनों ही यहाँ पर जाने वाले हैं इस माफिया के पास. और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास हमें कुछ गन्स खरीदनी होगी. तो हमारे पास कोई भी गन्स अभी नहीं है और हम एम्यूनेशन पर यहाँ चलने वाले हैं उतर के और कुछ गन्स को खरीदेंगे जो कि हमारे लिए बहुत काम के होने वाली है. जो जितना होगा हम उतनी तो जितनी हो सके उतनी गन्स को खरीदेगा और फुली उसको अनलॉक करेगी. तो ये पिस्टल तो हमारे कोई काम की नहीं है, हमें कुछ ज़बरदस्त एक गन चाहिए. सबसे ज़रूरी जो हमारे लिए ये स्नाइपर्स को हमने परचेज कर लिया, क्योंकि हमारे लिए वहाँ पर हमें स्नाइपर्स को किल करना होगा. एडवांस स्कोप हमने लगा लिया है यहाँ पर. और जो भी है इस कलर को हम सिलेक्ट करते हैं. चलो हमने वो भी सिलेक्ट कर लिया है. तो नेक्स्ट गन देखते हैं हमें कौन सी लेने वाले हैं. तो इस गन को हम परचेज कर लेते हैं. तो ये अच्छी लग रही है. तो क्या हमने परचेज कर लिया है, तो हम इसको अपग्रेड करने वाले हैं जल्दी से. एक्सटेंडेड क्लिप भी हमने लगा ली, ग्रिप, फ्लैश लाइट, स्कोप और सप्रेसर भी हमने लगा लिया. और ये हम इसे गोल्ड की करने वाले, तो ये भी हमारे पास हो गई है. हमें कुछ एक्स्ट्रा गन्स भी ले लेते हैं साथ में. ये भी हमने SMG भी ले लिया यहाँ पर. इसको भी फुली एमो लोड कर लिया हमने यहाँ पर, और इसको भी फुली अपग्रेड हमने कर दिया है. तो हम और देखते हैं, हमें कुछ ज़बरदस्त गने भी चाहिए जो कि मौके पे काम आएगा. और यही है हमारी ज़बरदस्त ग्रेनेड लॉन्चर. पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये हमारे वहाँ बिल्कुल काम आएगी. और एक और हम यहाँ पर ले लेते हैं इस गन को, इसको भी हमने फुली अपग्रेड कर दिया. ग्रिप, सप्रेसर, स्कोप और सब कुछ ऐसे हमने कर दिया. गन्स तो हमारे पास हो गई है. जब हमें अब बाय करना है वो है आर्मर, जो यहाँ पे सबसे टॉप आर्मर है. तो वो भी हमने यहाँ पर परचेज कर लिया. तो हमने लगा दिया है यहाँ पर आर्मर. तो हम जल्दी है उस लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पर हमें माफिया का ठिकाना, वहाँ से जो हमने गोल्ड की कार चुराने वाले हैं. तो अगर हमने आज गोल्ड की कार चुराई, तो अभी हमारे ट्रेवर और माइकल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो
कुछ अच्छे घर या कुछ भी गैराज वगैरह से ले सके। आज हम उसकी गाड़ी को बेच के कुछ उसके बाद अच्छे से गैराज या घर बहुत अच्छी सी परचेजिंग करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट कार होने वाली है जो कि गोल्ड की, जो कि हम चुराने वाले। फाइनली हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम पीछे के रास्ते से यहाँ पर जाएगी और तो लगता है यहाँ पर गोलियाँ चल रही है पहले से, पता नहीं क्या है क्या, फिर किसी और ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। तो हम तो चले आगे जाके, अगर उनको हम पता चल गया है तो चलते हैं हम आगे जाके। स्नाइपर हमने लगा ली है तो हम सबसे पहला जो हमारा काम होगा स्नाइपर को मारने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ पर वो रहा स्नाइपर, उसने हमें देख लिया है मगर हमने एक शॉट के अंदर से हेडशॉट से गिरा दिया है। चलो आगे चलते हैं अब हम। तो गोलियाँ बहुत बुरी तरह से चल रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे 40-50 जने के आसपास के यहाँ पर सिक्योरिटी है। एक और हेडशॉट हमने ले लिया और ये और स्नाइपर वाला था तो वो भी हमने किल कर दिया। मेन यहाँ इस लोकेशन पे दो स्नाइपर वाले थे तो हमने दोनों को यहाँ पर किल कर दिया। तो जल्दी से आगे जाते हैं और हमें जल्दी से कार स्टॉल करनी है। सभी को हमने मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमें मार देंगे। तो जल्दी आगे जाते हैं। हमें एक राइट साइड में भी अब पता चला था कि एक और ये रहा, उसने भी हमें देखा है और मगर हमने भी एक शॉट में स्नाइपर का यही तो कमाल है, वन शॉट और वन हिट। एक और यहाँ पर खोपड़ी दिख रही है मेरे को, उसको भी हम चलो हिट करने की कोशिश की मगर भाई साहब ऊपर नीचे हो रहे हमारे साथ खेल रहे हैं। चलो हम ऊपर ही जाके इसको देखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं हम। असॉल्ट राइफल हम लगा लेते हैं तो क्योंकि हम क्लोज किल करने वाले हैं यहाँ पर। और ये भाई साहब सामने खड़े हैं, उसको भी हम मार दिया हमने। चलो आगे चलते हैं अभी हम। तो यहाँ पर शॉप गाड़ियाँ तो हमें देख रहे हो, हम इनकी किसी भी गाड़ी की जरूरत नहीं, बस हम इन्हें सभी को फटाफट मार देते हैं। तो अब हमारे जो मेन टारगेट है, हमें गोल्ड की जो कार है स्पोर्ट्स कार, उसको चुराना है। उसके सामने ऐसी पता नहीं 50 गाड़ी आ जाए, क्योंकि इतनी कॉस्टली गोल्ड की कार है जो हमें अभी चुरानी है। तो हम बिल्कुल उसके पीछे छुप छुप के स्नाइपर से इनको मारने वाले। सिक्योरिटी गार्ड बहुत बुरी तरह यहाँ पर गोली चल रही है और चल लो इसको भी मार देते हैं। तो हमारे साथ हमारा पार्टनर है, हमें उससे भी स्नाइपर देख सकते हो, वो भी लगे हुए हैं यहाँ पर हिट करने के लिए। तो ये भी गया यहाँ से। तो जल्दी है हम जल्दी से गाड़ी के पास चलते हैं। तो अब हम चल रहे हैं और ये लेफ्ट साइड में ये माफिया का बॉस है सबका, इसको भी हमने यहीं पर मार दिया है, यही सबका लीडर था। तो हम जल्दी से कार को चला लेते हैं मगर यहाँ पर भी पूरी तरह से सिक्योरिटी है, ये भी सिक्योरिटी। हम इसको गोली मारते हैं, चल निकलने की कोशिश करें मगर ये फिर से उठ गया, हमें फिर से गोली मारनी होगी। तो अब हम चलते हैं यहाँ से, हमारा जो मेन टारगेट था वो कार चुराना है यहाँ से। तो हमें गोल्ड कार फाइनल मिल चुकी है, जल्दी से हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और फाइनली आपने देखा होगा कि इसने भी हमारे भाई साथ में, उन्होंने भी एक उंगली दिखा दी है सभी को। तो हम क्योंकि इस तक हमारा फर्स्ट गाड़ी हमने गाइस चुरा ली है, हमें जल्दी से जाके इसे गैराज में स्टोर करना होगा। तो जल्दी से हम चलते हैं। हम शहर के अंदर पहुंच चुके हैं, हमारे बस थोड़ा सा रह गया हमारा डिस्टेंस, हम लगभग 4 miles के आसपास रह चुका है। जल्दी से हम वहाँ पर जाते हैं। तो अब हम इसको स्टोर करने वाले हैं, कहीं ऐसे ना वो हमारे पीछे आ जाए। तो हमने कुछ ना बहुत सारे को तो मारा ही नहीं क्योंकि हमारा काम ही यही था, हम गाड़ी को चुराना था। तो आप ग्राफिक्स भी देख सकते हो, क्या ब्यूटीफुल कार है ये, इसके लाइट्स और आप गेम के भी ग्राफिक्स देखो कि आप इसको भी बिल्कुल 4K के अंदर देख सकते हो गाइस। तो हम पास में ही पहुँचने वाले हैं, 0.2 miles के आस पास हमारी गैराज रह गई है। हम इसको बिल्कुल वहाँ पर जाके स्टोर करेंगे, हमारी फर्स्ट कार होने वाली है जो हमने स्टोर की, वो भी गोल्ड की है ये। तो जल्दी से हम आगे चलते हैं भाई साहब, हमें बस जल्दी से रास्ता दीजिए कोई। तो बस हम पहुँचने वाले हैं और ये हम पहुँच चुके हैं और ये भाई साहब हमारे आगे गाड़ी लगाते हैं और जल्दी से हटाइए भाई साहब, हमें अंदर जाना है। तो हमारी गाड़ी को एक और लुक देख सकते हो आप, ये पूरी गोल्ड की कार है, कितनी ब्यूटीफुल, गजब लग रही है, तबाही कार है ये। तो अपनी कैराज को अंदर हमारी कार को ले जाते हैं। वो फाइनली हमने हमारी फर्स्ट गोल्ड की कार जो है कि जो माफिया से हमने चुराई, वो यहाँ पर स्टोर कर दी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं अब हम क्या करने वाले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।